हेलो फ्रेंड्स दिस इज एनसीआर टी सोल्ड एग्जाम्पल नंबर वन ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन इज शो दैट द कोफिशंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए बाय ए डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेट ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी अल्फ़ा एल तो हमें क्या शो करना है कि ये जो टर्म है एरिया एक्सपेंशन का कोफ़िशियंट वो ट्वाइस होगा लीनियर एक्सपेंसिविटी के और हमें क्या गिवन है एक रेक्टेंगुलर शीट है तो इसको मैं लेट कर रही हूँ जिसकी लेंथ है ए एंड बी एंड इन केस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज जैसे हम सोलिड केस में लेंथ में कुछ चेंज दिखाते थे दैट इज डेल्टा एल वो किसकी वजह से होता था ड्यू टू सम लोड अटैच टू इट लेकिन इस केस में हम करेंगे कि, कि किसी लेंथ में चेंज कैसे आएगा अगर उस लेंथ का हम टेम्परेचर इनक्रीज़ कर देंगे मान लो कि तुम्हारे पास एक रोड है इसका एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ है एल और जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू किया मान लो मैं इसको 50 डिग्री तक ले गई तो क्या होगा इस लेंथ में कुछ चेंज आएगा डेल्टा एल का जिसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एल बाय एल इन केस ऑफ सॉलिड्स इसको हम बोलते थे स्ट्रेन लेकिन इस केस में हम लिखेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कॉन्स्टेंट आ जाएगा दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंसिविटी इनटू डेल्टा एल सेम वही मेथड है जैसे हमने सॉलिड्स में किया था नाउ हमने क्या शो करना है वी नीड टू शो ल्टा ए बाई ए विध टेम्परेचर इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंसिविटी दैट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा एल विद अल्फा एल किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय दट इज चेंज इन लेंथ विद चेंज इन टेम्परेचर तो इसको हम यहाँ साइड पर लिख लेंगे अल्फा एल इज डेल्टा एल बाय डिड बाय डेल्टा डी तो इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है अभी हमें गिवन है एक रेक्टेंगल जिसका एरिया है ए क्योंकि डेल्टा ए बाय ए हमने कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ए बाय ए, वेर ए इज द ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल एरिया तो ये हमारी शीट है देन ए विल बी एरिया लेंथ इंटू ब्रैथ दैट इज ए इंटू बी तो ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया अब कैलकुलेट करना है डेल्टा ए तो डेल्टा ए क्या होगा चेंज इन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट मान लो इसका टेम्परेचर अगर मैं इनक्रीज़ करूं तो इस रेक्टेंगल की ये जो साइड है इसमें कुछ चेंज आएगा तो मैंने लाइट कर लिया इसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा ए का ऐसे ही सेम विर्थ में भी कुछ चेंज आएगा जैसे टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे इसको हम लेट कर लेते हैं डेल्टा बी तो इस फिगर को थोड़ा इजी वे में आपको समझाती हूँ मान लो ये हमारी गिवन रेक्टेंगुलर शीट थी दिस इज रेक्टेंगुलर शीट जो हमारी गिवन थी और जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इसकी जो ये लेंथ है ए ये कैसे इंक्रीज होगी तो ये कुछ इस वे में आगी ए प्लस डेल्टा ए और ऐसे ही इस शीट की विर्थ में भी कुछ चेंज होगा अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो ये ये हमारी नई फिगर बनी जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया जिसमें जो ये पार्ट है क्योंकि हमारी ओरिजिनल शीट थी इतनी इट मीन्स ये उसका ओरिजिनल एरिया था जो ये शीट थी दिस वाज कैपिटल ए ओरिजिनल एरिया ऑफ शीट जो ये तीनों एक्स्ट्रा एरिया आए हैं इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए दैट इज़ चेंज इन एरिया जिसको मैंने यहाँ शो किया है वन टू एंड थ्री इसको हम मार्क कर लेते हैं पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री तो ये तीनों पार्ट का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा डेल्टा ए के तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री तो हम साइड्स मार्क कर लेते हैं ये साइड डेल्टा बी है देन दिस साइड ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा बी और ये साइड है बी सो दिस विल बी बी दिस साइड इज एंड दिस साइड इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए तो इसका एरिया लिखेंगे ए वन एरिया वन इक्वल होगा लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा इंटू बी प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट ए इंटू डेल्टा बी तो हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया डेल्टा ए भी कैलकुलेट कर लिया नाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा ए बाय ए तो हम लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए किसके इक्वल आएगा डेल्टा ए हमने कैलकुलेट किया था टू तो बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय एरिया क्या था ए इंटू बी तो हम इसको ओपन कर लेते हैं ओपन कैसे करेंगे ए बी से डिवाइड कर देंगे देन डेल्टा ए इंटू बी डिवाइड ए बी प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय ए बी हमने तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया ए बी से अब जो कैंसिल होता है हम उसको कैंसिल कर लेंगे मैं आपको थोड़े इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दिखाऊंगी तो ये स्टेप आप याद रखना बी से बी कैंसिल एंड यहाँ ए से ए कैंसिल तो क्या आ गया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस इसको क्या मैं लिख सकती हूँ डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय बी तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा ए बाय ए अब ये क्वेश्चन है एक प्रूफ वाला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में हमें जो जो स्टेप आते हैं हम उसमें वैल्यूज पुट करते रहेंगे और अपने आप हम इस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे अब यहां देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो इस इक्वेशन में डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय ई बी ये क्या डिफाइन कर रहा है चेंज इन लेंथ विथ लेंथ यही चीज़ डिफाइन कर रहा है डेल्टा ए बाय ए तो क्या मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर सकती हूँ जो हमने ये इक्वेशन लिखी है एक्सपेंसिविटी की तो अगर मैं इसको ओपन कर लूँ डेल्टा एल बाय एल किसके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा एल इनटू डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल किसके इक्वल हो सकता है डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी तो इसका यूज़ करके हमें अपनी इक्वेशन को चेंज कर देंगे कैसे करेंगे चेंज डेल्टा ए बाय ए को मैं लिख दूंगी अल्फा एल इंटू डेल्टा टी ऐसे ही डेल्टा बी बाय बी को हम लिख देंगे अल्फा एल इंटू डेल्टा टी सेम यहाँ भी यही आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी आपको कुछ नहीं करना जो जो स्टेप आपके माइंड में आ रहा है जो जो टर्म्स आपको गिवन है उसका यूज करते जाओ और अपने आप आंसर आ जाएगा तो अब यहां देखो वन प्लस वन टू अल्फा डेल्टा एल डेल्टा टी प्लस या जाएगा अल्फा एल का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर इसको थोड़ा मैं क्लियर लिख लेती हूँ तो हमने कहां तक लिख लिया डेल्टा ए बाय ए किसके इक्वल आ गया टू अल्फा एल डेल्टा एल प्लस अल्फा एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ डेल्टा ए बाय ए को डेल्टा टी से डिवाइड करना है डेल्टा ए बाय ए इस पूरी टर्म को डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा प्लस अल्फा एल का स्क्वायर और एक डेल्टा टी रह जाएगा बिकॉज यह डेल्टा टी का स्क्वायर है तो अब ये देखो किसके इक्वल आना चाहिए टू अल्फा एल के और हमारा इक्वल आ रहा है टू अल्फा एल प्लस अल्फा एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी अब ये टेबल आपको गिवन है इस टेबल को ध्यान से देखो अल्फ़ा एल की अगर हम कोई भी वैल्यू करें मान लो हम लेट कर लेते हैं वन पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री कैलविन पर कैलविन और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर आएगी टेन एस टू पावर माइनस सिक्स जो कि बहुत ही स्मॉल टर्म है इसलिए हम ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है नियरली टू अल्फ़ा एल तो यहां से हमने प्रूव कर दिया डेल्टा ए बाई ए डिवाइड बाय डेल्टा टी इज नियरली टू इंटू अल्फा एल आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इस लास्ट स्टेप में क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर शीट गिवन थी हमें ये नहीं गिवन है कि आयरन है कॉपर है या स्टील है इसलिए हमने खुद से अल्फा एल की कोई वैल्यू लैड करके देख लिया जिससे हमें पता चला कि इसका स्क्वायर करने पे ये टर्म बहुत ही स्मॉल जाएगी इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू